अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएन जे आज आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। और ये दोनों चीज़ें, ये कंडेंस मिल्क है, इसको मैं बनाने का तरीका बता चुकी हूँ आपको। और ये इसकी रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ये व्हिप क्रीम है जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, होममेड व्हिप क्रीम दूध से। उसको हम केक वगैरह में आप देख सकते हैं, वो ये मैं आपको इससे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये व्हिप क्रीम का ऑल्टरनेट है बेसिकली, व्हिप क्रीम एक्चुअल व्हिप क्रीम नहीं, लेकिन ये वो ऑल्टरनेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं केक वगैरह में। लेकिन इसका सबसे मज़ेदार पार्ट जो है वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये होममेड हैं दोनों चीज़ें, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने बना के फ्रिज में रख ली थी और ये तकरीबन 500 ml है। और मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ कि मैं इससे आइसक्रीम बनाऊंगी। ये देखिए, मैं इसमें क्रीम, दो चीज़ें हैं यानी व्हिप क्रीम और हमारी ये कंडेंस मिल्क। और अब मैं इसको इसमें रोल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको उसके साथ स्मूथ कर लिया और मुझे इसमें थोड़ा मीठा कम लगा, क्योंकि हमने व्हिप क्रीम जो बनाई है उसमें भी मीठा था, इसलिए मैंने इसको मैंने मज़े डाल दिया इसमें। ये लीजिए, ये आपकी आइसक्रीम जो है वो वनीला फ्लेवर की तैयार है। आप इसे बॉक्स में डाल के रखें और तकरीबन ओवरनाइट इसे आप रखेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम तैयार है। लेकिन मैं अभी इसमें आपको एक ऐड करके चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा हम इसमें ये कोको पाउडर, ये छोटा वाला चमचा है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको आपके देखिएगा इस तरह, मैंने इस तरह इसको करके, और अब मैं इसको चमचे स्पैचुला की मदद से रोल करूँगी, यानी मैं इसको दोनों कलर में छोड़ूंगी, थोड़ा सा डबल शेड में। देखिए यहाँ थोड़ा सा जो हमारे इसमें, ये देखिए, कर दी। तो मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि इसको जब हमने इस तरह जमाया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। ये देखिए नाज़रीन, हम क्रंच बना रहे हैं। ये हाफ कप शुगर है जो मैंने पैन में रखी है, अभी बिल्कुल लाइट इसकी आँच रखी है मैंने, लो है बिल्कुल आज, और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगी, आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन, इसका कलर चेंज होने लगा, शुगर मेल्ट हो रही है। अभी इसको अभी हम मज़ीद मेल्ट करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब हमारा कैरामल जो है क्रंच तैयार हो रहा है। और अब हमने इसमें 2 tablespoon कूट के जो है वो पीनट भी शामिल कर दिया है। ये देखिए, मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस था उसमें निकाल लिया है। और ये देखिए, थोड़ी सी क्रंच बना रही हूँ मैं, मैंने कहा साथ साथ आप उनको दिखा दूँ। ये देखिए नाज़िम, क्रंच हमारे तैयार हो गए। देखिए, ये मैंने आपके सामने इस पर फैला दिया था, फिर ठंडा होने के बाद हमने इसको भारी चीज़ से हमने इसको कूट लिया है। और ये अब जो बड़े टुकड़े हैं हम उनको भी छोटा छोटा कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए, कल रात जो हमने आपके सामने आइसक्रीम बनाई थी कंडेंस मिल्क और क्रीम के साथ, वो अब हमारी जम चुकी है। ये देखिए नाज़रीन, मज़ेदार चॉकलेट वनीला आइसक्रीम तैयार है। इस पे मैंने
बटर स्कॉच डाला है और ऊपर से क्रंच जो अभी आपके सामने बनाई थी वो डाली है। ये बहुत मज़े की है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफज़ाई कीजिए सब्सक्राइब करके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।